हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता कैश किचन में। तो आज हम बनाएंगे मक्के की बहुत ही मजेदार रेसिपी। सच में दोस्तों, ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने दो मक्के ले लिए हैं और मक्के को दो भाग में कट कर लिए हैं। आप तोड़ भी सकते हैं इसको, पर चाकू से बहुत ही आसान तरीके से कट हो जाते हैं। अब कुछ इस तरीके से हम इसका दाना जो है निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से जो है दाना निकल जाती है। और ये देखिए, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे बीच वाला हम एक दो लाइन निकाल लिया, इस तरीके से बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। हमारे गांव में तो बहुत ही ज़्यादा मक्का होते थे उस टाइम में। बाकी अभी हम गांव में रह नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में बहुत मक्का होते हैं। तो इसी तरीके से सारे दाने को हमारे यहाँ निकालते हैं। और यहाँ पर हमने मक्के के दाने को जो है निकाल लिए हैं। अब इसको हम धोएंगे, क्योंकि हम मार्केट से लाए हैं। अगर आपका खेत का मक्का हो तो आप पोंछ के भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको धो लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा गंदगी हो और जो इसमें दाने में छिलका वगैरह रहते हैं ना, एक्स्ट्रा वो निकल जाए। यहाँ पे हम पानी में डाल रहे हैं, खूब अच्छे से मसल मसल के धो लेंगे। तो इस तरीके से मसल रहे, देखिए पानी हल्का सा जो है गंदा भी नजर आ रहा है, तो क्या होगा ना, धोने से छटक आ जाएगी मक्के में। और देखिए पानी कितना गंदा आ रहा है। धो के हमने हल्का सा इसको पंखे के नीचे में रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। और 2 चम्मच यहाँ पे चावल के आटे डाल रहे हैं, स्वाद के अनुसार नमक लीजिएगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 चुटकी करीब हल्दी पाउडर ताकि कलर अच्छा आ जाए इसमें। और 1 चुटकी यहाँ पे हम हींग डाल रहे हैं, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं दोस्तों चिकन मसाला। आपके पास मैगी मसाला हो तो वो डाल सकते हैं, पाव भाजी मसाला तो वो डाल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला हो घर में तो वो डाल सकते हैं थोड़ी सी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगी। और बाकी मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे हम आधी नींबू निचोड़ के डाल दे रहे हैं रस को। तो ये खेत का ही हमारा, मतलब हमारे खेत का ही है नींबू, बहुत ही इसमें रस भरा है। तो यहाँ पे आधी नींबू निचोड़ के डाल दी है। अब इन सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी लग रहा है सूखा सूखा है, इसमें हम थोड़ा सा जो है ना पानी का छींटा डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस छींटा डालेंगे हम। तो ये देखिए सूखा सूखा है ना, थोड़ा सा हम छीटा डालेंगे। तो बस इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा मसाला जो है कोट हो चुके हैं, अच्छे से चिपक चुके हैं मक्के में। अब इसको हम एक बार छान लेते हैं। तो हम यहाँ पे पूरी छानते हैं ना, वही है छन्नी। और आप छन्नी भी ले सकते हैं, बड़ी वाली छन्नी हो तो उसमें डाल किस तरीके से हिलाएंगे ना, जो बाकी का एक्स्ट्रा मसाले आटे होंगे ना चावल के, वो निकल जाएगी। तो इससे क्या होगा ना, तेल भी हमारा गंदा नहीं होगा, नहीं तो तेल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगी। और इससे बहुत ही अच्छा होता है, जो भी एक्स्ट्रा मसाले होते हैं ना निकल जाते हैं। अब इसको हम छान के ले लिए बॉल में, चलिए फटाफट गैस की तरफ। यहाँ पर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो एक मक्के हम इसमें डाल के देख लेते हैं तेल गरम है कि नहीं। तो ये देखिए तेल बढ़िया से गरम हो चुका है, इसको हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे आधा ही डाल रहे हैं, तो आप ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो एक बार में भी कर सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके करिए तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत जल्दी में ये फ्राई हो भी जाते हैं। यहाँ पर इसको चलाते हुए फ्राई करना है और गैस को हाई रखना है। तो बीच बीच में चलाना है, ये नहीं कि लगातार चलाते रहना, बीच बीच में हल्का फुल्का छोड़ दीजिएगा और चलाते हुए इसको पका लेना हमें 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी टाइम लग सकते हैं। तो ये देखिए 3 मिनट पूरे लगे हैं, मक्के जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर काफ़ी बढ़िया से चेंज हो चुका है इसमें। तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करके इसको पकाना है। तो ये देखिए क्रिस्पी हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर बढ़िया आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो पहले हम छन्नी में निकाल रहे हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल जो है ना निकल जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया जो हमारा मक्का फ्राई हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम बाकी का भी फ्राई कर लिए हैं, तो दोनों हमने कर लिए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया जो है मक्का फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे हम 1 टमाटर ले लिए हैं, 2 कटोरियाँ ले लिए हैं, 1 टमाटर 2 कटोरियाँ आप सोच रहे होंगे, बट अभी बता रहे हैं। तो 1 टमाटर को आप 4 भाग में कट कर लीजिएगा, साइड वाला पार्ट को कट करके हटा दीजिए। और जो ये बीच वाला पार्ट है ना, उसको हम निकाल लेंगे, जितना भी पानी है उसको निकाल के और एक साइड में छिलके को रखेंगे, एक साइड में हम बीच वाला पार्ट को रखेंगे। अब जो छिलके वाला पार्ट है ना, उसको हम कट करेंगे, बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, जो हम इसमें टमाटर डालेंगे ना, तो गीला नहीं होगा, गीला हो जाएगी ना तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी, फिर क्रिस्पी नहीं रहेगी।
तो यहाँ पे हम बॉल में ले लिए, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया जो हमारा भुट्टा जो है क्रिस्पी बना है। और यहाँ पे एक बारीक कटी हुई हम प्याज ऐड कर रहे हैं। अब जितना आप चाहते हैं तो एक ही बार में बनाना तो एक ही बार में बना सकते हैं, नहीं तो इसको स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं, ऐसे भी इसको खा सकते हैं बिना प्याज और टमाटर के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे प्याज टमाटर मिर्च और चाट मसाला डाल दी हैं, इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें चाहते हैं तो नींबू और डाल सकते हैं, बट हम चेक कर लिए थे नींबू हमारा परफेक्ट है, ऊपर से बिल्कुल भी हम नहीं डालेंगे। और आप नमक कम लग रहा है तो नमक भी डाल लीजिएगा, अब बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हमारा इसमें सारा चीज़ परफेक्ट है, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा और ऐड नहीं किए हैं। आप चाहते हैं तो मसाला वगैरह थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत ही ज़्यादा ये चटपटी बन चुका है क्योंकि हमने उसमें थोड़ा बहुत मसाला डाल दिए थे। और यहाँ पर हम एक अमरूद ले लिए हैं, अमरूद पका हुआ था हमारे पास तो हमने डाल दिया, थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा तीनों फ्लेवर इसमें आ जाए। तो ये देखिए हमारा भेल पूरी भुट्टे से बने कितना बढ़िया भेल पूरी बन के तैयार हो चुका है। अब इसको अगर बारिश के मौसम में नहीं बनाए नहीं खाए तो फिर क्या खाए, तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सबको। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो फेसबुक पर देख रहे थे प्लीज़।